हेलो एंड शालोम एवरीवन। एक बार फिर मैं नीतू पी चौधरी आपके साथ हाजिर हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप आज के दिन को, आप जिंदगी को गले लगा लें। चलिए मैं एक गीत से शुरू करती हूं। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. Yes, आज का दिन। और हिंदी में हम इस गीत को कुछ ऐसे गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। मैं चाहती हूँ कि आप दो वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें, आज का दिन और आनंदित हो। क्यों? क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। बुक ऑफ साम्स में जब हम जबूरों की किताब पढ़ते हैं, उसमें 118 के 24 में ऐसा लिखा है कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और इसलिए बनाया है ताकि हम इसमें खुशी खुशी आनंदित होकर इसको जी सके। अगर आज आप ये वीडियो देखते समय ये सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी में आनंदित होने जैसा कुछ नहीं है, तो मैं आज इस वीडियो को खास तौर पर आपके लिए लेकर आई हूं। परमेश्वर का वायदा है कि हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और जब प्रभु ने ये बात कही है कि आज का दिन, दैट मींस टुडे, और प्रभु यीशु मसीह भी बार बार इस बात को कहते हैं कि कल की चिंता मत करो, आज के बारे में सोचो। सो आज मैं आपके लिए खास प्रार्थना करूंगी कि कैसे आप अपनी उन चीजों में से बाहर आ सकते हैं, और मैं प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर की स्ट्रेंथ, परमेश्वर की पावर आपकी जिंदगी में आ जाए। साथ ही मैं प्रार्थना करूंगी कि आपकी जिंदगी की बातें आपके फेवर में टर्न हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज का दिन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। आज का दिन परमेश्वर ने आपके लिए खास तौर से प्लान किया है। अगर नहीं किया होता तो शायद आज का दिन आप ना देख पाते, अगर नहीं किया होता तो शायद आज का दिन कोई सुनामी आ जाती, कोई अर्थक्वेक आ जाता और एक पल में जिंदगी जो है वो बदल के किसी और वर्ल्ड में चली जाती। लेकिन क्योंकि आप जिंदा है, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, तो इसको आनंद के साथ भरे। और आनंद कब आता है, खुशी कब आती है? जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में होते हैं। तो प्रभु का वचन बताता है कि जहां कहीं परमेश्वर की हुजूरी होती है, वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, देयर इज इमेंस जॉय। सो मेरी ये आपके लिए प्रार्थना है कि आज का दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपने जॉय को, अपने आनंद को लेकर आए। कम लेट्स जस्ट प्रे फॉर ईच वन ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू लॉर्ड ग्रेशियस हेवनली फादर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अच्छे और भले पिता हैं और आपने आज का दिन बनाया है खुदाया, ताकि आपके लोग आज के दिन में खुश हो सकें, आज के दिन को आनंद के साथ, जॉय के साथ बिता सकें। प्रभु, इस समय मैं अपने हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अपनी जिंदगी में बड़े ही परेशान है, बड़े ही मायूस है, क्योंकि उनकी जिंदगी के हालात ऐसे नहीं है कि वो जॉयफुल हो सके। लेकिन होने दे मेरे परमेश्वर की, जब मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय, आपका पवित्र आत्मा मेरे खुदावन, आपका पाक रूह मेरे खुदाया, आपके लोगों को छुए और सारी तरफ से सराउंड कर ले प्रभु यीशु के नाम से मेरे खुदावन। क्योंकि आपका वचन बताता है, आपके कलाम में यो लिखा है कि जो कोई आप पर ईमान लेकर आता है वो आपसे एक नई जिंदगी पाता है। और होने दे मेरे खुदावन की आपकी ओर से आपके लोग आज एक नए जॉय को हासिल करें जो कि आपकी हुजूरी में आता है। प्रभु जी, मैं नहीं जानती कि मेरा भाई मेरी बहन किस सिचुएशन में से होकर निकल रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ मेरे परमेश्वर कि आप सब कुछ कर सकते हैं, एक ही पल में प्रभु जिंदगी आप बदल सकते हैं। आज आपकी कृपा को, आपके अबंडेंट ग्रेस को प्रभु जी मैं आपके लोगों पर रिलीज करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आई स्पीक राइट नाउ अबंडेंस इन ग्रेस बाय द नेम, इन द नेम ऑफ यहोशुआ मसीह। परमेश्वर का वचन बताता है कि द ग्रेस ऑफ लॉर्ड इज सफिशियंट फॉर अस। परमेश्वर का फजल, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, पर्याप्त है। सो आई स्पीक द ग्रेस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। प्रभु जी, मैं इस समय इस वायदे को आपके लोगों की जिंदगी में बोलती हूँ कि सब बातें मिलकर आपके बच्चों के लिए, इस समय जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जो मायूस है उनके लिए, ये सब बातें मिलकर भलाई ही को लेकर आएंगी प्रभु यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु, ये आप पे विश्वास करते हैं और जानते हैं कि प्रभु आपने इन्हें छोड़ नहीं दिया। होने दे मेरे खुदावन कि आपका जॉय जो परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में दिया है, उसी जॉय को प्रभु मैं रिलीज करती हूँ आपके लोगों की जिंदगी में, और इस बात को कहती हूँ, रिसीव द जॉय इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। थैंक यू मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं पाकरू खुदाया, धन्यवाद देते हैं यीशु राज, आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड खुदावन यहोशुआ हमसाया के नाम से इस पूरी की पूरी प्रार्थना को मांगते हैं, और प्रभु के सब लोग कहते हैं
आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आप इसमें आनंदित हो। जी हाँ, यही मेरी प्रार्थना है। और जरूर मुझे फोन करके बताइएगा या कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने क्या भला काम कर दिया है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। खुदावन यीशु के नाम में आपको बड़ी सारी बरकत मिले। आमीन।